Today we will be discussing on limit and continuity of functions of two variables. In 12th class you discussed or you studied about limit and continuity of function of one variable. Now in today's class we will study about limit and continuity of function of two variables. Guys, in last classes we discussed about the function of two variables, especially for partial differentiation and Euler's theorem, right? We discussed about the domain of function of two variables, evaluation of function of two variables, and a detailed study of function of two variables. In fact, we have done some partial differentiations of function of two variables, right? Now today, limit and continuity of function of two variables we will be discussing. So it's very important. देखिए आप लोग, मैं क्लास ले रहा हूं तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना पर्सनल चैटिंग मत कीजिए, मैंने पहले भी बोला था। अंकिता आपका ये डाउट है, अभी मैं क्लास के बाद सॉल्व कर दूंगा। आकाश एंड सौरदीप प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, प्लीज आप लोग चैटिंग मत कीजिए पर्सनल कोई भी चैट बॉक्स में। ओके सो just give me a second, I am presenting my screen. Everybody can see, please tell me. Yes, sir. So this is limit and continuity of functions of two variables. देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है। आपने 12th क्लास में जो लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वन वेरिएबल के लिए और कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वन वेरिएबल के लिए, यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए है, राइट? तो ध्यान रखना, हमारा फंक्शन पहले 12th क्लास में जो होता था, हमारा जो फंक्शन होता था वो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, जिस पे हम स्टडी करते थे। दिस इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यहां जो फंक्शन होगा वो दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, से z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। So we will find, we will evaluate the limits and continuity of function of two variables here. We start with limit of function of two variable. This is the fundamental definition of limit of function of two variable. This definition is quite difficult. तो इसे यहाँ समझने से कोई मतलब नहीं है। इसे मत देखिए, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि एक function की limit, दो वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एक्स नॉट, फॉर एग्जांपल, एंड वाई इज टेंडिंग टू वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स वाई is equal to f of, or not f of, this is something, okay, again limit x is tending to x naught and y is tending to y naught, function of x y, because there is a function of two variable here, so function of x y is equal to say capital F.
तो देखिए आपने ट्वेल्थ क्लास में वन वेरिएबल के लिए लिमिट की स्टडी की है। यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स एंड वाई वेरिएबल का। द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एंड वाई टेंडिंग टू वाई नॉट। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स विच इज एक्स नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज टेंडिंग टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई विच इज वाई नॉट, एंड द रिजल्ट इज कैपिटल एल विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। देखिए ट्वेल्थ क्लास में कॉन्सेप्ट होता था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन वी विल वी सेड दैट द लिमिट इज द लिमिट एग्जिस्ट फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां पे लिमिट के एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल्स इज सेट टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम विच एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए इवेल्युएशन का जो तरीका है और जो नोटेशन है वो ये वाला होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई टेंडिंग टू वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल एल। सो दिस इज द नोटेशन और इवेल्युएशन प्रोसेस, द फॉर्मूला ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स लिमिट। बट लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब एक्स एक्स नॉट को टेंड कर रहा है, वाई वाई नॉट को टेंड कर रहा है, और x x नॉट को y y नॉट को किसी भी पाथ से टेंड करे, कोई भी पाथ हम ले लें, अगर किसी भी पाथ से टेंड करने पर इस फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन का इवेल्युएशन सेम आता है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस लाइन को दोबारा पढ़िए आप लोग। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x y ऑफ टू वेरिएबल्स इज सेट टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ From which x y tends to x not y not। मतलब ये है कि x x not की तरफ tend कर रहा है, y y not की तरफ tend कर रहा है, यानी x y जो है x not y not की तरफ tend कर रहा है, और x not y not की तरफ tend किसी भी path से करे, किसी भी path से करे, there are infinite number of paths, अगर हर एक path के लिए value same आती है तो हम कहेंगे limit exists करती है, और जो value आती है That will be the value of the limit। जैसे मैं आपको एक example यहाँ पर बताता हूँ, figure बना के। For example, this is two dimension and there are two axes x and y here। ये for example हमारा जो moving point है या variable point है x comma y है। और for example ये जो point है ये हमारा x not y not। x not comma y now x is tending to x not and y is tending to y not। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पाथ से जा सकता है, x is tending to x not and y is tending to y not by this path or by this path or by this path और बाय दिस पाथ। सो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स बाय विच एक्स कैन बी टेंड टू एक्स नॉट एंड वाई कैन बी टेंड टू वाई नॉट। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। इफ द वैल्यू ऑफ दिस इवेल्युएशन फॉर ईच एंड एट ईच फॉर ईच एंड एवरी पाथ इज सेम, आई रिपीट, द वैल्यू ऑफ दिस इवेल्युएशन फॉर ईच एंड एवरी पाथ इज सेम, देन वी विल से limit exist, otherwise not। Clear to everyone? Question में अभी अब करवा रहा हूँ अभी। Concept is clear to everyone or not? Any doubt? So please repeat again। पूरा? What's your पूरा name? अंकिता सर। अंकिता क्या समझ में नहीं आया आपको? बताइए। अंकिता?
सर अपने लास्ट में जो बोले थे ना सर कि मतलब ये वैल्यू डालने से मतलब अगर सेम आया। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये इवेल्युएट करना है लिमिट। अब इस लिमिट को इवेल्युएट करने में आप देख सकते हैं x is standing to x naught and y is standing to y naught। x x के पर्टिकुलर वैल्यू पर टेंड कर रहा है, y y के पर्टिकुलर वैल्यू पर टेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पे फिगर में शो किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x नॉट y नॉट एंड दिस इज x y, राइट राइट अंकिता? यस सर। नाउ यू कैन सी x y स्टैंडिंग टू x नॉट y नॉट बाय दिस पाथ, x y स्टैंडिंग टू x नॉट y नॉट बाय दिस पाथ और बाय दिस पाथ और बाय दिस पाथ। So there are infinite number of paths by which x y will be tending to x naught y naught. Is it okay, Ankita? Yes, sir. Okay. If for each and every path the evaluation value of this, which is L, is same for each and every path you are taking, if the value is same, then we will say this limit exists and the value of the limit is that particular value which is same for each and every path. Now Ankita, is it clear? Yes sir. Agar kisi bhi ek path ke liye ye value same nahi hota hai to uska matlab limit doesn't exist. For existing of any limit or function of two variable, the value of this evaluation must be same for each and every path you are taking. Now, any doubt in concept? Anybody? Okay. Let's do one question. आपको समझ में आ जाएगा. एक question करते हैं हम लोग. Evaluate limit x tending to 0, y tending to 0, x square plus y square upon 5. Actually, ये थोड़ा सा x square plus y square upon 5 है, ध्यान रखना, ये whole upon 5 नहीं है. This is x square plus y square upon 5. Okay. अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो दोनों लिमिट एक साथ पुट नहीं करेंगे. यू कैन नॉट पुट बोथ द लिमिट्स टुगेदर, यू हैव टू पुट द लिमिट्स वन बाय वन. नाउ इट्स योर चॉइस विच लिमिट यू वांट टू पुट फर्स्ट. आप x के लिमिट पहले पुट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में y के लिमिट पुट कर सकते हैं, या फिर आप y के लिमिट पहले पुट कर सकते हैं उसके बाद में x के लिमिट पुट कर सकते हैं. But you cannot put the limits together. You have to put the limits one by one. Right? Now it's your choice कि पहले आपके कौन से limit put करते हैं, x के limit या फिर y के limit. Am I audible clearly? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. Now this is the function limit x tending to 0, limit y tending to 0, x square plus y square upon 5. देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसमें x का लिमिट पुट कर दिया तो x जीरो हो गया क्योंकि जीरो है लिमिट. फंक्शन y स्क्वायर अपॉन 5 बच गया और लिमिट y टेंडिंग टू जीरो बच गया, फिर लिमिट y टेंडिंग टू जीरो पुट कर दिया तो जीरो आ गया. तो पहले हमने x का लिमिट पुट किया, उसके बाद में हमने y का लिमिट पुट किया, तो इवेल्युएशन जो है उसका आंसर जीरो आ गया. या फिर पहले हमने y का लिमिट पुट किया उसके बाद x का लिमिट पुट किया तो भी इवेल्युएशन जीरो आ गया. एनी डाउट? नो सर. नो सर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए इसी क्वेश्चन में इस केस सर. यस. इस केस में तो आपने x का लिमिट पहले पुट किया था ना, इसमें दोनों केस समझा दिया ना मैंने. देखो फर्स्ट केस में मैंने x का लिमिट पहले पुट किया, हाँ, फिर देखिए फंक्शन सिर्फ y में रह गया और फिर y का लिमिट पुट कर दिया. सेकंड केस में मैंने पहले y का लिमिट पुट किया, हाँ, फिर मैंने x का लिमिट पुट किया, उस केस में जीरो आ रहा है. आप कोई सा भी लिमिट पहले पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं
कि देखिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट। नाउ अब देखते हैं आगे। अब हमने क्या पाथ लिया, वी आर टेकिंग द पाथ y इज इक्वल टू mx। एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है क्या, दिस इज जीरो जीरो, नो डाउट इट्स एन ओरिजिन, जीरो कॉमा जीरो, एंड दिस इज सम वेरिएबल पॉइंट x कॉमा वाई, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एंड लिमिट y टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब यह है कि x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और y भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, x इज टेंडिंग टू जीरो एंड y इज टेंडिंग टू जीरो। अब हमें ऐसा कोई भी पाथ लेना है जिसमें x इज टेंडिंग टू जीरो, y इज टेंडिंग टू जीरो। वी कैन चूज अ स्ट्रेट लाइन पाथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वी कैन चूज अदर पाथ लाइक दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, वी कैन चूज एनी पाथ लाइक दिस विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी we can choose any path like this which is passing through origin. So there are infinite number of paths by which xy can be tend to 0 0, aur aap koi bhi path le, us path ki khas baat kya hogi, us path ki khas baat ye hogi ki sabhi path passing through origin hai, is it correct or not, because hame xy point ko finally 0 0 pe tend karwana hai. So whatever path we are choosing, definitely that path will be passing through origin. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So I am taking the path y is equal to mx. Acha, y is equal to mx, kiski equation hoti hai? Straight line. It's a family of straight line because m is arbitrary constant here. If you are changing the value of m, you will get the different values of straight different equations of a straight line passing through origin, isn't it? Yes, sir. Yes. Acha, y is equal to mx kyun liya, y is equal to mx plus c kyun nahi liya maine path? Yahan pe koi constant nahi hai. नहीं सर, इंटरसेप्शन जीरो है। यस करेक्ट, बिकॉज द पाथ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैंने बार बार यही बोला, द पाथ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और कोई भी कर्व की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है उसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, पता होगा आपको, इफ एनी कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन देन डेफिनेटली देयर विल बी नो कांस्टेंट एट ऑल। सो वी आर टेकिंग फर्स्ट पाथ y इज इक्वल टू mx. Y is equal to mx path is the family of straight lines passing through origin. ठीक है, तो इस फंक्शन में मैंने y is equal to mx put कर दिया। जब मैं इसमें y is equal to mx put करूंगा तो फंक्शन ये ऐसा बन जाएगा, पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू हम mx put कर चुके हैं। There is no y now. If there is no y, then there will be no limit of y as well. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बचेगा सर, क्योंकि वाई तो है ही नहीं। अब इसे इवेल्युएट करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 5, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो किया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ लेते हैं, मतलब इफ यू आर टेकिंग द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन द आंसर विल बी जीरो। पहले भी हमारा आंसर जीरो आया था, ये देखिए, जब हमने एक्स का लिमिट पहले पुट करके वाई का लिमिट बाद में पुट किया था, जीरो आंसर। जब हमने वाई का लिमिट पहले पुट करके एक्स का लिमिट बाद में पुट किया था, आंसर इज जीरो। हमने वाई इक्वल टू एम एक्स पाथ लिया, आंसर इज जीरो। चलिए एक और पाथ लेते हैं। नाउ वी आर टेकिंग वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, कोई बताएगा मुझे? कॉस सर,
पैराबोला फैमिली ऑफ पैराबोला पैराबोला नॉट पैराबोला इट्स अ फैमिली ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन यस एब्सोल्युटली हमें पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली ही फैमिली लेनी है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि x y 0 0 की तरफ टेंड कर रहा है सो वी आर टेकिंग द सेकंड पाथ y इज इक्वल टू mx स्क्वायर व्हिच इज अ फैमिली ऑफ पैराबोलास पासिंग थ्रू ओरिजिन जस्ट अ सेकंड गाइस हेलो यस सर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ बाद में बात करता हूँ So guys, we are taking the second path, which is a family of parabola. अच्छा family क्यों बोल रहा हूँ मैं? कोई बता सकता है मुझे? इसे मैंने family of straight line क्यों बोला और इसे family of parabola क्यों बोल रहा हूँ मैं? Because of degree. तो? No, no, no. Degree से तो सिर्फ parabola का पता चलता है. Family of parabola कैसे पता चलेगा? So because we are using variable m, we are not using the exact 4 which we used in previous classes. We used to use 4, y equals to 4x square as a equation of parabola for some instance. But here we are using family, so that's why we are using mx square. Correct, correct, very correct. Because we are using arbitrary constant m here. मैंने भी बोला था m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट पाथ मिलेंगे y is equal to mx में अगर आप m का वैल्यू 1 रख दोगे तो आपको y is equal to x मिल जाएगा if you are putting m is equal to minus 1 you will get y is equal to minus x if you are putting m is equal to 1 by 2 you will get y is equal to x by 2 if you are putting m is equal to minus 1 by 2 you will get y is equal to minus x by 2 so for different values of m there will be different straight lines passing through origin that's why If there is an arbitrary constant in any curve's equation, this will be the family of that curve. So this is family of straight lines and this is family of parabola. Because the for different values of m, we will get different value, different equations of parabola passing through origin. Is it correct? ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे y is equal to x line ले लेता तो किसी स्टूडेंट का ये डाउट आ जाता है सर आपने y इक्वल टू x बाई 4 क्यों नहीं लिया तो स्टूडेंट ये बोल देता है सर आपने माइनस y इक्वल टू माइनस x बाई 4 क्यों नहीं लिया सर वो भी तो ओरिजिन से पास हो रहा है कोई ये बोल देता है सर आपने y इक्वल टू 3x स्क्वायर क्यों नहीं लिया सर वो भी तो ओरिजिन से पास हो रहा है आप समझ रहे हैं मेरी बात आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो आप yes, कोई भी पाथ लें जो ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए मैंने क्या किया इस झंझट को खत्म करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ले ली एम को लेके यहां पे भी मैंने पूरी फैमिली ले ली एम को लेके इज इट करेक्ट यस सर ओके यस सो पुट y इज इक्वल टू mx स्क्वायर y का वैल्यू mx स्क्वायर पुट कर दीजिए आपका पूरा फंक्शन x में चेंज हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ओनली यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए x स्क्वायर कॉमन आया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये अंदर वाला फंक्शन बचा x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि फॉर y इज इक्वल टू mx स्क्वायर पाथ द वैल्यू इज 0 अगेन द इवैल्यूएशंस वैल्यू इज 0 अगेन और कौन सा पाथ ले सकते हैं कोई बताएगा मुझे थोड़ा जल्दी बताइए और कौन सा पाथ ले सकते हैं हम y इज इक्वल टू mx लिया y इज इक्वल टू mx स्क्वायर लिया y इज इक्वल टू mx क्यूब ले सकते हैं नहीं ले सकते यस सर क्यूब ले सकते हैं y इज इक्वल टू mx रेज टू द पावर 4 ले सकते हैं नहीं ले सकते यस सर इन जनरल y इज इक्वल टू m x रेज टू द पावर n ले सकते हैं या नहीं ले सकते पाथ यस सर बिल्कुल ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं बिकॉज़ इट्स अ फैमिली ऑफ एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन तो अंडर रूट ले सकते हैं
बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो लीजिए, लेकिन ओरिजिन से पास होना चाहिए, राइट? यस सर। सो यू कैन सी, आप कोई भी पाथ लीजिए, y इक्वल टू mx क्यूब लीजिए, y इक्वल टू mx रेस्ट टू द पावर 4 लीजिए, y इक्वल टू mx रेस्ट टू द पावर n लीजिए, और जैसे अभी यहां कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट जीरो ऑलवेज, यू विल गेट जीरो। इट मींस whichever path you are taking, the value of the given limit, the value of the given question is always zero. It means limit exists and the value of the limit is zero. You can read the last line. Since the value of limit along any path is same, since the value of limit along any path is same, therefore limit exists and the value of it is zero. So this is the concept of limit of functions of two variables. Limit of functions of two variables. आपको पाथ लेना है और हर एक पाथ के लिए अगर लिमिट का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा, और अगर किसी भी एक पाथ के लिए सेम नहीं आता है तो वैल्यू ऑफ द लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एनी क्वेश्चन टिल येट? देखिए मैंने यहां रिमार्क लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे। एंड फॉर नॉन एग्जिस्टिंग क्वेश्चन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। गाइज एनी डाउट प्लीज आस्क। Any doubt, guys? No, sir. No, sir. समझ में आया ना आपको limit of function of two variables? Yes, sir. आप इसको पढ़ के आइएगा क्योंकि next class में मैं limit limit का एक और question करवाऊंगा और फिर continuity of a function of two variables करवाऊंगा। Actually ये आज ही खत्म हो जाना था, topic छोटा सा है लेकिन वो presentation के चक्कर में नहीं हो पाया। So please revise today's class. Because in next class I will discuss the continuity of function of two variable, which is totally based on limit of functions of two variable. Is it okay, all of you? Yes, sir. Okay. Let me take the doubts from the chat box. Ankita is asking, sir, how to solve u is equal to tan inverse y upon x by Euler's theorem. Ankita, have you not attended my class of Euler's theorem? Sir, I am new joining ना, तो थोड़ा मतलब आपने assignment दी थी तो उसमें मेरे से solve नहीं हो रहा था। Have you gone through my recordings? Sir, सारी नहीं देखी। तो बेटा ये Euler's theorem की जो recording है ना Google Classroom में? Yes, sir. उससे go through हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। It's quite simple actually. It's very very simple. ठीक है? Okay, sir. अच्छा, लास्ट क्लास मैंने जो एक्स्ट्रा ली थी उसमें मैंने होमोजेनियस फंक्शन के बारे में बताया था। आप क्लास में थी एक्स्ट्रा क्लास में? यस सर। तो होमोजेनियस फंक्शन आपको समझ में आ गया था? हाँ यस सर, वो आ गया था। ठीक है, तो आज 1:30 पे जब हम क्लास लूंगा मैं, उसमें मैं आपको यूलर्स थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग्स को देख लेना, हो जाएगा। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट लेट मी चेक। Okay, so there is no doubt now in the chat box. So guys, please revise today's class before attending the next class. It's very important. Thank you very much, all of you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Thank you.